क्या मध्य प्रदेश में गुजरात को फॉर्मूला अपनाने की तैयारी है? क्या मध्य प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि कई सारे मंत्रियों विधायकों की टिकट कटवे बारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जो सवाल इसे है काय के एक बड़ो घटनाक्रम भाव है जी के तहत मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री और शिवपुरी से भारतीय जनता पार्टी की विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दो है और उनने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दो है। लेकिन खबर जा है कि यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से चुनाव हार सकती सो उनको पार्टी ने कई या उनने खुद ये बात खोल लेके अपनी मनसा जाहिर करी कि वे चुनाव नहीं लड़ें और ना केवल चुनाव नहीं लड़ें सो उनकी टिकट कट के कोनो प्रकार की ऐसी शर्मिंदगी हुए कि यार इतनी बड़ी नेता को टिकट काट दो है सो ऊ की बजाय उनने खुद मना कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ें। यानी वे चुनाव लड़ब उनको पहले से तय नहीं है तो लेकिन कुल मिला के अपने समर्थकन को जो संदेश देने की कोशिश करी कि हम चुनाव नहीं लड़े। लेकिन कछु यही प्रकार को घटनाक्रम गुजरात में बहुत हो जब एक दो नहीं कई सारे मंत्री विधायकों ने खुद से आके कह दी थी कि हमें चुनाव लड़ने नहीं आ सो का ऐसी कोनो रूपरेखा तैयार करी जा रही है जो बड़ो सवाल है। यही बीच खबर जाए कि लगभग एक दर्जन मंत्री और 40 से 50 विधायकों के टिकट पर सीधे तौर पर खतरा है यानी उनको टिकट कटवे जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट बता रही है और कौन कौन से नाम अखबारों में छप रहे हैं बेनाम हम आपको बता रहे हैं। काय के फिलहाल की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है राजनीति है उसमें बहुत पुख्ता जानकारी दे वो तो असंभव है। काय के चौंकावे वाले निर्णय केंद्र को जो संगठन है केंद्रीय संगठन है भाजपा को वो ले रहे हैं सो पुख्ता जानकारी तो संभव नहीं है। लेकिन अखबार जो बता रहे हैं वे हम कछु नाम आपको बता रहे हैं कि जिनकी टिकट पे बड़ो संशय है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार नव दुनिया ने एक खबर छापी है उसमें लिखी है कि शिवराज कैबिनेट के कई मंत्रियों के टिकट पे संकट है और जिन जिन नामों पे उन्होंने लिखे है उनमें कांग्रेस से भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री सुरेश धाकड़ ओपीएस भदौरिया रामखिलावन पटेल पन्ना से विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह प्रेम सिंह पटेल और बृजेंद्र सिंह यादव जैसे मंत्रियों के टिकट पे संकट बताओ गौ है। और इसके पीछे की जो वजह बताई गई है उनमें बताई गई है कि भिंड जिला के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से साल 2018 में ओपीएस भदौरिया कांग्रेस के टिकट पर जीते 2020 में भी सिंधिया के साथ कमलनाथ सरकार गिरावे वाले विधायकों में शामिल होते उपचुनाव में भी भाजपा के टिकट पर जीते लेकिन भदौरिया के संग दिक्कत यह है कि भिंड जिले में तीन विधायक एक ही जाति के हो गए हैं। अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया है भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा हैं जो बसपा से भाजपा में आए ऐसी स्थिति में अरविंद भदौरिया और संजीव सिंह कुशवाहा को टिकट भाजपा काट के पक्ष में नहीं आ सो ओपीएस भदौरिया के नाम पे क्या चीज चल सकत है। पन्ना विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित बृजेंद्र प्रताप सिंह जो मध्य प्रदेश सरकार में खनिज मंत्री भी हैं नई दुनिया अखबार के मुताबिक सर्वे में उनकी स्थिति कमजोर है सो उनको टिकट काटे जा सकत है या फिर जो हमारे सूत्र हैं कि उनकी सीट बदली जा सकत है। सतना के सांसद गणेश सिंह को टिकट दे जावे के चलते मंत्री राम खिलावन पटेल को टिकट काट जावे पे विचार चल रहा है। काहे के दो ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आउट हैं पार्टी एक जिला में दो समान जाति के प्रत्याशी उतारवे के पक्ष में नहीं आ मंत्री प्रेम सिंह पटेल आदिवासी क्षेत्र से चुने जाते लेकिन उनको क्षेत्र में विरोध है। पटेल की जीत 38,000 वोटों के होवे के चलते उनकी सीट बदली जा सकत है या फिर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की जगह उन्हें लोकसभा लड़ाओ जा सकत है और गजेंद्र सिंह पटेल को विधानसभा लड़ाओ जा सकत है। मुंगावली से मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को टिकट भी खतरे में अखबार की सूची बता रही है। इके संग ही शिवपुरी जिला के पोहरी विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेश धाकड़ राजखेड़ा को नाम भी कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं की सूची में शामिल है और धाकड़ को लेकर सर्वे में स्थिति ठीक नहीं आ। फिलहाल इतने सारे मंत्रियों और इनके संगे करीब 40 से 50 विधायकों के टिकट पे संशय है। काहे के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय कर लो कि केवल जिताऊ उम्मीदवार पे ध्यान दो जो है और जो जिताऊ हुई है वही को टिकट दो जो है चाहे वो कितो ही बड़ो नेता हो और चाहे कितो बड़ो नेता हो अगर वो हार रहो हुई है तो उसको टिकट मिले नहीं। यही से अगली जो सूची है उनमें कछु बड़े चौंकावे वाले नाम एकदम से कट जावें या फिर जुड़ जावें तो कोनो बड़ी बात नहीं समझियो। राम राम। यहाँ हमारा बड़ा सा हॉल होगा और यहाँ किचन और साइड में मास्टर रूम ऊपर लिविंग रूम। अब भी ऐसे ही सपने सजाएंगे जब बुंदेलखंड गोल्डन सिटी के प्रीमियम प्लॉट्स देखने आएंगे। खूबसूरत कवर्ड कैंपस में बुक कीजिए फुली डेवलप्ड प्लॉट सभी मॉडर्न एमिनिटीज के साथ होशंगाबाद रोड जाट खेड़ी की प्रीमियम लोकेशन पर। रेरा अप्रूव्ड बुंदेलखंड गोल्डन सिटी।